ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की ओर से फैसला आने के बाद साफ हो गया कि अब ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे होगा। इस फैसले का इंतजार हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष की ओर से किया जा रहा था। एएसआई सर्वे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभी तक रोक लगा रखी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से साइंटिफिक सर्वे कराए जाने संबंधी वाराणसी जिला जज के फैसले को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि न्याय हित में सर्वे कराया जाना उचित है। ज्ञानवापी सर्वेक्षण मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का एएसआई सर्वेक्षण शुरू होगा। सत्र न्यायालय के आदेश को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। इसी के साथ ही हाईकोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश को तत्काल प्रभावी करने का आदेश दिया है। देखिए, चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि एएसआई ने एफिडेविट फाइल किया है और उस एफिडेविट के कंप्लायंस में जो लिखित एफिडेविट दिया गया जी, उस एफिडेविट के कंप्लायंस में सर्वे किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब एएसआई ने एफिडेविट दिया है तो कोई मतलब नहीं है उसको डाउट करने का, और जो एएसआई ने एफिडेविट दिया उसके कंप्लायंस में ये पूरा सर्वे किया जाए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो चुका है, ये भी आदेश में हुआ, और सिविल सूट जल्दी से जल्दी डिसाइड किया जाए, इसमें कोई एडजस्टमेंट ना हो, ये भी कोर्ट ने आदेश पारित किया। तो वहीं इस फैसले के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आना भी शुरू हो गई हैं, जहां यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि सर्वे पर आए इस फैसले का वो स्वागत करते हैं और जल्द ही इस मामले का निस्तारण होगा। राम मंदिर की तरह ही ज्ञानवापी में भी मंदिर निर्माण होगा। देश का हृदय से स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि एएसआई के सर्वे के माध्यम से सच्चाई बाहर आएगी और ज्ञानव्यापी का जो विवाद है श्री राम जन्मभूमि विवाद की तरह इसका भी निर्णय होगा, निस्तारण होगा और शिव भक्तों की जो मनोभावना है, मनोकामना है वो पूर्ण होगी। बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और इमाम ईदगाह मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने ज्ञानवापी सर्वेक्षण पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने इस बारे में कहा कि हमें उम्मीद है कि न्याय होगा, क्योंकि ये मस्जिद लगभग 600 साल पुरानी है। मुसलमान पिछले 600 सालों से वहां नमाज अदा करते आए हैं। हम ये भी चाहते हैं कि देश के सभी पूजा स्थलों पर पूजा स्थल अधिनियम लागू किया जाए। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे की इजाजत दे दी है और जाहिर सी बात है कोर्ट का ऑर्डर है, उस पर अमल किया जाएगा। लेकिन मुस्लिम साइड यही चाहता था कि ये जो हमारी तकरीबन 600 साल पुरानी मस्जिद है उसमें किसी किस्म की कोई खुदाई ना की जाए, तो कोर्ट ने मालूमात के हिसाब से उसमें खुदाई करने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी है, खुदाई करने से मना किया है। और हम लोगों का एक जाहिर सी बात है केस ऑलरेडी चल रहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के, और ये कानून इसीलिए बना था कि जितनी भी प्लेसेस हैं वर्शिप की उनका जो स्टेटस 15 अगस्त 1947 को था वो मेंटेन रहे। हम लोग सब यही चाहते हैं कि इस कानून का पूरी कड़ाई से इस पर अमल किया जाए। अब आपको बताते हैं कि ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे के दौरान क्या क्या होगा। अब अदालत के आदेश पर अब एएसआई की टीम मस्जिद परिसर का सर्वे करेगी। अभी जो एएसआई की टीम सर्वे के दौरान वजू खाने और उसमें मिले कथित शिवलिंग का सर्वे नहीं करेगी, क्योंकि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस पूरे एरिया को सील कर दिया गया है।